ये लोग बहुत चालें चल रहे हैं, वो लोग बहुत चालें 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 चालें, तो टेंशन हो गया है। हाँ, सब सोच सोच के टेंशन हो जाता है, इंफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे चालों का। तो उसके लिए मैं आपके सामने दो आयतें रखूंगा, और मेरे भाइयों इतनी ब्यूटीफुल आयतें हैं ना दोनों, इसमें प्लॉटिंग एंड प्लानिंग, जो उनकी प्लानिंग होती है, चालें होती है, उससे टेंशन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? दो आयतें, सूरह आल इमरान सूरह 3 आयत नंबर 120, अल्लाह ताला ने यहूदियों की चालों के बारे में कहा, वइन तसबिरू वत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। अगर तुम वइन तसबिरू वत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, सब्र करो और तकवा, तकवा तुम सही काम करो, परहेजगारी, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, यहां पे मेन बात है, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तुम्हें उनकी चालें थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कैद चाल, उनकी जो चालें हैं ना, वो तुम्हें ला यदुर्रुकुम, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, शैआ कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कब? तस्बिरू व तत्तकू, सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, सब्र करो तकवा इख्तियार करो, तो चालें नहीं नुकसान पहुंचाएगी। यहां हम लोगों को अपनी खुद की इस्लाह पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग तकवे पे आ जाए ना, सही रास्ते पे, सब चाले फेल। बोले इनकी ये चीज के पीछे इतनी बड़ी चाल है, उनकी वो चाल है, कुछ टेंशन मत लो, तुम ये टेंशन लो कि हम लोग सही रास्ते पे है कि नहीं। हम लोग सही रास्ते पे है ना, वो सब चाल फेल करने वाला है ना। वो मकरू व मकर अल्लाह, वो चाले चलते हैं, अल्लाह भी चाले चलता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन चालें चलने वाला है। और दूसरी आयत सूरह फातिर सूरह 35 आयत नंबर 43, वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बि अहली, बुरी चाल से कोई नहीं फंसता सिवाय चाल चलने वाला, बुरी चाल से कोई नहीं फंसता सिवाय चाल चलने वाला, जो चाल चलने वाला है वो उसमें फंसता है। तो चालों का टेंशन अगर आपको है, देखो वो है ना मेरे पीछे बहुत चालें चल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा, डोंट वरी, बुरी चालों में कौन फंसता है? चाल चलने वाला। आप चालें चलोगे तो आप भी फंसोगे, आप बुरी चालें वगैरह मत चलो, अच्छे काम करो, खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं।